Welcome back. In this particular video, I am going to discuss one case study based question for IT class 12 term 2 exams. Generally, it contains 4 to 5 marks or a questions unit number 2, that is database query using SQL based. So let's start this session. So you can see now that हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है विच इज बाई द नेम ऑफ क्लाइंट एंड इसकी बेसिस पे हमें 4 टू 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेरीज आप देख रहे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली मैंने जो आपके मैथमेटिकल फंक्शंस या जिसे हम न्यूमेरिकल फंक्शन बोलते हैं, दूसरा जो टेक्स्ट फंक्शन है, तीसरा जो डेट फंक्शन है और साथ ही साथ जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इन सारे फंक्शंस पे बेस्ड ये केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके टर्म टू के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन क्वेरी, ऑल्सो गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ द आउटपुट जनरेटेड थ्रू ईच क्वेरी. तो पहली क्वेरी आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट देन काउंट स्टार फ्रॉम माई दिस क्लाइंट टेबल एंड द सेकेंड क्वेरी इज रिटर्न लाइक सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में इसने इस मोबाइल को लिया है एंड इट इज अगेन फ्रॉम क्लाइंट टेबल. सो वी ऑल नो दैट काउंट इज व्हाट बेसिकली एन एग्रीगेट फंक्शन जो कि मल्टीपल रोज को क्या करता है या जितनी भी डिफरेंट रोज होती हैं उनको काउंट करता है और उसकी एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करता है. सो काउंट स्टार जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा विदाउट वरिंग कि हमारे किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल है या अननोन वैल्यू है, उसे इग्नोर करते हुए टोटल नंबर ऑफ रोज को क्या कर देगा ये रिटर्न कर देगा. सो जो फर्स्ट क्वेरी आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका जो टोटल रिकॉर्ड आंसर आएगा दिस विल बी योर 5. आई मीन जो फर्स्ट क्वेरी हम एग्जीक्यूट करेंगे दैट इज 5 एंड व्हेन यू राइट सेलेक्ट काउंट मोबाइल सो काउंट मेथड अगेन ऑब्वियसली एंड रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम एंड वन मोर थिंग दैट व्हाइल इट काउंट्स नंबर ऑफ वैल्यूज इन ऑफ ए गिवन कॉलम इट ऑलवेज इग्नोर्स दिस नल वैल्यू. मतलब ये नल वैल्यू को कभी भी काउंट नहीं करता है. इन दैट केस वी कैन से कि इस क्वेरी का जो आंसर होगा दिस विल बी डेफिनेटली योर 4. सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 5 एंड दैट इज व्हाट योर 4. अगर आप इसके जस्टिफिकेशन की बात करें सो एज आई सेड कि जब आप काउंट स्टार को यूज करते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करता है इंक्लूडिंग ऑल नल वैल्यूज, जबकि काउंट मेथड जो होता है इट काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम एंड रिटर्न वन सिंगल वैल्यू इग्नोरिंग ऑल नल वैल्यू. सो दिस इज द जस्टिफिकेशन. तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ. सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस केस. हियर नाउ इट इज आस्किंग दैट डिस्प्ले लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ दिस नेम एट्रीब्यूट और नेम कॉलम इन कैपिटल लेटर्स. सो यहाँ पर हमें दो चीजें करनी है इस क्वेरी में. एक तो हमें लास्ट के 3 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने हैं और दूसरा वर्क हमें इसे कैपिटल लेटर में करना है. नाउ वी ऑल नो दैट देयर इज अ मेथड कॉल्ड लेफ्ट एंड व्हाट योर राइट, इसके आगे हम ब्रैकेट लगा देते हैं. सो ये क्या करता है लेफ्ट साइड के या लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स को आपको डिस्प्ले करता है और राइट मेथड जो होता है ये किसी भी गिवन स्ट्रिंग के राइट मोस्ट कैरेक्टर्स को क्या करता है डिस्प्ले करता है. चूंकि ये राइट मोस्ट कैरेक्टर की बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करेंगे राइट मेथड का जो कि एक टेक्स्ट मेथड है. इसके अंदर हम पास कर देंगे नेम एट्रीब्यूट को और चूंकि ये यहां पर कैपिटल लेटर्स में कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने की बात कर रहा है तो इसके लिए हमें यहां पर एक और मेथड इस्तेमाल एलकेस. सो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं एलकेस एंड देन यू कैन सिंपली राइट व्हाट दिस सेलेक्ट एलकेस राइट नेम फ्रॉम वॉट योर टेबल नेम विच इज अगेन योर क्लाइंट. एंड जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी कि जो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे इस नेम एट्रीब्यूट के वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपके स्क्रीन में. मैं इनको आपको एक बार एग्जीक्यूट करके माई एसक्यूएल में दिखा देता हूँ. सो दिस इज माई एसक्यूएल क्लाइंट. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना टेबल बनाया हुआ है क्लाइंट के नाम से तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ. सो दिस इज हाउ इट इज शोइंग अस द रिजल्ट. एंड इसके बाद चूंकि ये क्वेश्चन बोलता है कि आप लोअर केस में नेम के लास्ट राइट साइड के 3 कैरेक्टर्स को आप डिस्प्ले करिए. सो आई विल टेक दिस टूल एल केस देन आई विल टेक दिस राइट ब्रैकेट में फील्ड का नाम नेम दे दूंगा कॉमा करके 3 स्पेसिफाई होगा बिकॉज 3 कैरेक्टर हमें डिस्प्ले करने हैं. देन आई विल से टेक फ्रॉम क्लाइंट एंड यू ऑल कैन नोटिस कि ये लास्ट के 3 कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले कर रहा है.
सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेरी. इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट डिस्प्ले नेम ऑफ क्लाइंट्स हु बॉर्न बिफोर 1980 एंड हुज लेंथ ऑफ नेम इज ग्रेटर देन 12. तो अगेन इस क्वेरी में अगर आप बात करें तो आप देखें यहाँ पे ये ईयर की बात कर रहा है. बॉर्न का मतलब हो गया हमारा ये डेट ऑफ बर्थ का फील्ड. अब इस डेट ऑफ बर्थ में तो कंप्लीट डेट दी हुई है, तो पहले तो हम इस कॉलम को यूज करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे ईयर में और उसका कंपैरिजन करेंगे 1980 के साथ में. एंड द सेकेंड इज सेइंग दैट की लेंथ जो है हमारे नेम की इट शुड बी ग्रेटर देन 12 ओनली. तो इसका मतलब हम यहाँ पे दो मेथड यूज करेंगे, एक टेक्स्ट मेथड है लेंथ और दूसरा जो हमारा डेट का मेथड है ईयर कन्वर्ट करने के लिए. तो पहली चीज तो ये कि हमने लिया यहाँ पर ईयर और ईयर के अंदर अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को पास कर दूं तो ये ईयर को फाइंड कर लेगा. और दूसरा लेंथ फाइंड करना है, सो आई विल टेक दिस लेंथ और इसमें जो फील्ड मेरी आएगी दैट इज योर नेम. सो अब इसकी बेसिस पे जो क्वेरी मेरी बनेगी दिस विल बी लाइक, चूंकि ये सिर्फ नेम डिस्प्ले करना चाहता है, तो आई विल टेक दिस सेलेक्ट नेम फ्रॉम माई क्लाइंट. जहां पर ये बोल रहा है कि वेयर, अगर आप इस ईयर पार्ट को एक्सेप्ट करें हमारे डेट ऑफ बर्थ पे, इट शुड बी बिफोर 1980, सो शुड बी लेस देन व्हाट योर 1980. एंड बोल रहा है लेंथ जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 12 ऑफ नेम. सो मैं यहां पर यूज करूंगा अगला ऑपरेटर एंड, इसके बाद में मैं यहां पे मेथड इस्तेमाल करूंगा लेंथ जिसके अंदर में मैं पास कर दूंगा इस नेम फील्ड को एंड सेमी कोलन डालूंगा. जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा. इसे भी MySQL क्लाइंट में चल के एग्जीक्यूट करते हैं. सो यू ऑल कैन सी हियर दिस इज माई MySQL क्लाइंट. मैं फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट. सो एज आई सेड मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा नेम फ्रॉम माई क्लाइंट और यहाँ पे मैं बोलूंगा वेयर. सो द ईयर पार्ट ऑफ माई डेट ऑफ बर्थ शुड बी लेस देन वॉट योर 1980. अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो देखो तीन रिजल्ट आ रहे हैं. अब इसी में अगर मैं यहां पे लिख देता हूं एंड माई लेंथ ऑफ नेम शुड बी ग्रेटर देन व्हाट योर 12 एंड इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो फर्दर ये फिल्टर होके अब सिर्फ दो रिजल्ट आपको मिलता है. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेरी. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नाउ इट इज आस्किंग दैट डिस्प्ले द मंथ नेम ऑफ क्लाइंट डेट ऑफ बर्थ इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर करना है और हमें जो क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ है उसके मंथ नेम को डिस्प्ले करना है. सो मंथ नेम डिस्प्ले करने के लिए देयर इज अ मेथड कॉल्ड मंथ नेम जिसके अंदर में हम क्लाइंट के डेट ऑफ बर्थ को पास करेंगे. इसे हम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे. हमारे टेबल का नाम आएगा क्लाइंट एंड इसके बाद में चूंकि ये ऑर्डर बाय की बात कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, सो वी कैन सिंपली राइट ऑर्डर बाय नेम. तो जैसे ही आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन में आ जाएगा. अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो वी शुड राइट ऑर्डर बाय नेम DESC क्योंकि असेंडिंग ही है इसलिए हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं. सो दिस इज माय क्वेरी. सो दिस टाइम आई विल टेक दिस सेलेक्ट देन आई विल टेक दिस मंथ नेम ब्रैकेट में मैं डालता हूँ डेट ऑफ बर्थ देन फ्रॉम क्लाइंट देन ऑर्डर बाय नेम. When you execute, so this is how it will show you the date of birth. जो भी हमने डाली उसके मंथ को यह डिस्प्ले कर देगा. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Now here it is asking that display highest interest rate greater than 5000 after rounding off for each city. मतलब आप देखें यहां पर हमें highest interest निकालना है जिसको हमें rounding भी करनी होगी और हर एक city के लिए. तो highest का मतलब तो max function use करेंगे aggregate. राउंडिंग करने के लिए हम राउंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे और ईच सिटी का मतलब यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज का. और इंटरेस्ट रेट में एक और चीज दी है कि जो हाईएस्ट रेट है वो जब 5000 से ज्यादा होगा सिर्फ उसको ही दिखाना है. तो यहां पर एक और क्लॉज आएगा हैविंग. कैसे इसे करेंगे मैं लिख के बताता हूं. हम लेंगे सेलेक्ट, चूंकि हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिखाना है हाईएस्ट, सो आई विल टेक दिस मैक्स. इसके अंदर हम इस फील्ड को पास करेंगे इंटरेस्ट को, सो आई विल टेक दिस टू इंटरेस्ट. एंड इसके बाद में माय टेबल नेम दैट इज फ्रॉम माय क्लाइंट. इसे हमें राउंड ऑफ भी करना है, सो मैं इसे राउंड ऑफ करता हूं. मैं इस सेलेक्ट को रिमूव करके पहले राउंड लिख देता हूं. सो आई शुड राइट राउंड और मैक्स के बाद में चूंकि हमें इसे
पूरी तरह से राउंडिंग करनी है तो आप इसे सीधे ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जब आप राउंड लें तो जैसे आपने मैक्स लिखा, ब्रैकेट में आपने इंटरेस्ट डाला, देन आप क्लोज करके कॉमा डाल के फिर जीरो लगा के इस तरह से भी ले सकते हैं, बट इसकी हमें जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आप डाल देंगे सेलेक्ट, क्लाइंट मैंने ले लिया। अब चूंकि हमें यहाँ पे इंडिविजुअल सिटी वाइज करना है, सो आई विल राइट ग्रुप वाइज, देन आई टेक दिस सिटी। एंड ये बोलता है कि जो रिजल्ट है जिनका मैक्सिमम इंटरेस्ट 5000 से ज्यादा है उसको ही डिस्प्ले करना है। सो हैविंग मैक्स इंटरेस्ट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट योर 5000, तभी आप उसको डिस्प्ले करेंगे। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे वेयर क्लॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से एक बार प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। आई एम बैक टू माई एसक्यूएल क्लाइंट। मैं सबसे पहले सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देता हूँ। सो दीज आर द रिकॉर्ड्स। नाउ माई क्वेश्चन इज सेइंग दैट सेलेक्ट करो राउंड फिगर में हाइएस्ट इंटरेस्ट को। नाउ इस ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद अगर मैं लिखता हूँ क्लाइंट एंड देन आई सिंपली टेक दिस ग्रुप बाई सिटी, एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए चार वैल्यूज आ रही है। लेकिन अगर मैं यहां पे कर देता हूं हैविंग माय मैक्स इंटरेस्ट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट योर 5000, देन इफ यू सी इसने फर्दर इसे फिल्टर कर दिया एंड दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट। बट अगर मैं इस क्वेरी में यहां पर इस मैक्स को हटा के हैविंग क्लॉज को यदि मैं हटा दूं और उसके बाद में मैं यहां पे फ्रॉम क्लाइंट के बाद में वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करूं एंड इफ आई राइट इंटरेस्ट बी ग्रेटर देन 5000 ग्रुप बाय सिटी, देन यू विल सी दिस इज हाउ इट इज शोइंग अस द रिजल्ट। सो हियर यू कैन सी नाउ अगेन कि जब मैंने वेयर क्लॉज को पुट अप किया तो भी रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। बट द थिंग इज दैट कि जब आप वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं तो वो पहले क्या करेगा, हमारे इस इंटरेस्ट में जो 5000 से ज्यादा है उनको पहले ही फिल्टर कर लेगा और उसकी बेसिस पे फिर ग्रुपिंग होगी। लेकिन जब आप मैक्स इंटरेस्ट लगाएंगे हैविंग क्लॉज में तो पहले ये सिटी वाइज ग्रुप करके जो हाईएस्ट वैल्यू उनको जनरेट करेगा और उनमें से जो वैल्यूज जो आपकी ग्रुपिंग के बाद जनरेट हुई जिनकी वैल्यू 5000 से ज्यादा है उनको डिस्प्ले करेगा। तो आइडियली इस क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो क्वेरी है हैविंग के साथ ये ही यहां पर अप्लाई होनी चाहिए। हालांकि रिजल्ट वेयर से भी आ रहा है बट अगेन एज आई सेड। दूसरी बात, जब आप कोई भी एग्रीगेशन करके एग्रीगेटेड रिजल्ट को फिल्टर करना चाहते हैं आफ्टर ग्रुपिंग, देयर वी ऑलवेज यूज दिस हैविंग क्लॉज। आगे बढ़ते हैं और फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन क्वेरी। हियर इट इज सेइंग सेलेक्ट सब एसटीआर इंटरेस्ट कॉमा 3, 1। सो ये जो सब स्ट्रिंग है, ये जो गिवन स्ट्रिंग होती है उसके सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। यहां पर ये बोलता है कि जो मेरा इंटरेस्ट वाला फील्ड है इसमें जो थर्ड पोजीशन से कैरेक्टर है उसको निकालना शुरू करो और टोटल कितने कैरेक्टर निकालने हैं, तो बोल रहा है केवल एक। आप कह सकते हैं कि ये फ्लोट वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है, फिर इसमें से कैसे ये सब स्ट्रिंग वर्क करेगा। होता क्या है, जब आप इंटीजर या किसी भी तरह की वैल्यू को सब स्ट्रिंग फंक्शन में पास करते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग उसमें ट्रीट की जाती है। इन दैट सिचुएशन ये क्या करेगा, इस क्वेश्चन की बेसिस पे थर्ड पोजीशन पे, चूंकि अगर आप फर्स्ट रो को देखें तो यहां पर ये 6 है, तो ये रिटर्न करेगा 6 चूंकि 8 है। नेक्स्ट में ये 4 को रिटर्न करेगा, देन नेक्स्ट के ये 2 को रिटर्न करेगा, देन 1 को, देन 3 को। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। तो ये तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन के आंसर की। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए। सो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए, नाउ देयर इज अ मेथड कॉल INSTR जिसे हम मीन के नाम से भी प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी मिड के नाम से। इन दोनों का फंक्शन का पर्पज एक ही है, ये किसी भी गिवन स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या स्ट्रिंग की पोजीशन, पहली पोजीशन क्या है उसको रिटर्न करता है। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन राइट सेलेक्ट आई विल टेक दिस INSTR। यहां पर चूंकि हमें क्लाइंट के नेम की पोजीशन देनी है तो आई विल टेक दिस नेम, एंड चूंकि कैरेक्टर ए को हमें फाइंड करना है सो आई विल टेक दिस ए। आई विल सिंपली क्लोज दिस ब्रैकेट और मैं टेबल का नाम दे दूंगा फ्रॉम माई क्लाइंट,
एंड जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे रो में जितने भी नेम्स हैं उनके ए की पहली पोजीशन को ये रिटर्न कर देगा। आइए इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन सी हियर माई S12, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट देन IMSER एंड यहाँ पर मैं हमारे इस फील्ड को पास कर देता हूँ नेम, कॉमा लगा के मैंने कैरेक्टर डाल दिया ए, देन माई टेबल नेम दैट इज माई क्लाइंट। एग्जीक्यूट करें एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर 3235 and 2। ओवरऑल ये थे हमारे इस डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL दैट इज यूनिट नंबर 2 के केस स्टडी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जिसकी इन क्वेश्चंस की बेसिस पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम टेक्स्ट फंक्शन, न्यूमेरिकल फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन का या डेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्वेरीज बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा इन सारी चीजों को, इन सारे फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। बाय बाय एंड टेक केयर।